हेलो, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 11, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 121, तो को फाइंड करना है एक्स की पावर 50 प्लस वाई की पावर 50 50, आंसर क्या होगा। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई का दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस टू एक्स वाई इक्वल टू 121। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया 121, तो यहाँ से जो है 121 माइनस टू एक्स वाई इक्वल टू 121, ये दोनों कट गया, तो माइनस टू एक्स वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0 आ गया। ठीक, अब यहाँ एक्स और वाई के नाम पे केस बनाना है। केस पहला, देखिए दोनों का प्रोडक्ट 0 है दिया हुआ, इसका मतलब है कि कोई जरूरी नहीं है कि दोनों जीरो ही हो, कोई एक जीरो हो गया तो काम चल जाएगा। एक्स इक्वल टू अगर जीरो कर लेते हैं फिर भी ये पूरा टर्म जीरो रहता है, एक्स इक्वल टू जीरो लीजिएगा तो यहाँ जीरो पुट कीजिएगा एक्स की जगह। ठीक, तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 11 इस इक्वेशन से, और ये वैल्यू जो है इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। एक्स की जगह जीरो लिखेंगे, वाई जगह माइनस 11, तो प्लस 11 दे देगा। ठीक, तो मतलब हम ये ले सकते हैं केस। केस सेकेंड में क्या हो सकता है कि हम वाई का वैल्यू जीरो ले लें, जैसे y का वैल्यू जीरो लेंगे तो x कुछ भी हो फिर भी हमेशा दोनों का प्रोडक्ट जीरो देगा, तो जब y जीरो है तो x का मान 11 आ गया। अब ये वैल्यू अगर इसमें रखते हैं फिर भी इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, इसमें भी रखेंगे तो इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है। केस थर्ड अगर तो बात करें, केस थर्ड में हो सकता है कि आप दोनों को जीरो ले लीजिए, तो लेकिन यहाँ दोनों जैसे जीरो लीजिएगा तो यहाँ तो जीरो दे रहा है, लेकिन ये इक्वेशन में जैसे डालिएगा जीरो माइनस जीरो तो जीरो दे देगा, जबकि इधर है RHS में 11, तो ये केस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो केस फर्स्ट और केस सेकेंड ही वैलिड है। तो हमको पूछ रहा है एक्स की पावर 50 50 और वाई की पावर 50 50, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, जीरो, तो जीरो की पावर 50 50 प्लस ये है माइनस 11 की पावर 50 50, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये तो डिग्री वन है, इसके लिए 11 की पावर 50 50 आपका यहाँ से ये आंसर आ जाएगा इसका। इसका भी अगर बात किया जाए तो इस सेकेंड केस से भी जो है एक्स की जगह आ जाएगा 11 की पावर 50 50 और वाई जगह आ जाएगा जीरो की पावर 50 50, तो यहाँ से भी आंसर आपका आ जाएगा 11 की पावर 50 50। ठीक, तो दोनों केस से ही आया आंसर 11 की पावर 50 50, तो आपका फाइनल जो आ जाएगा एक्स की पावर 50 50 प्लस वाई की पावर 50 50 इज इक्वल टू 11 की पावर 50 50, ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और वीडियो लेते हैं। थैंक यू।